एक गुस्सा आम लोगों का है जो पुलिस की कार्रवाई तो ना खुश है, जिस तो बाद सड़क से उतर आते हैं तो जम के प्रदर्शन करते हैं, जिस तस्वीर भी सामने आई ने। वेख सकते हो किस तरीके दे नाल लोग पुलिस प्रशासन प्रति नारेबाजी करते हैं तो सड़क रोक लेंगे ने, तो पुलिस इन्हों रोकण दे विच नाकाम नज़र आ रही है। मिली जानकारी अनुसार एक लड़की की अणपछाते कारण दे विच मौत हो गई सी, ते लड़की के परिवार वालों उसके सहुरे परिवार से कतल के इल्जाम लगाए ने, ते पुलिस वालों आत्महत्या लई मजबूर करन दा मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिती है, पर मृतका दे परिवार वालिया ने रोड जाम कर दिता है ते कहा है कि जदों तक गिरफ्तारी नहीं हुंदी उदों तक जाम लग्या रहेगा। इस संबंधी मृतका दे भरा ने दस्या कि उसके कोल उसकी भैन सीमा का फोन आया सी, ते ओ दस रही सी कि उसका सहुरा परिवार उसके नाल कुटमार कर रहा है अते फिर शाम नूं उसकी मौत की सूचना मिलती है, जिस तो बाद वो सारे उत्थे पहुँचते ने अते उसकी भैन की पक्खे दे नाल लड़कदी लाश मिलती है। मृतका दे परिवार वाले ने आरोप लगाया कि उसकी भैन ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका कतल करके पक्खे नाल टंगया गया। परिवार वाले ने आरोप लगाते कहा कि सीमा के शरीर के उत्ते कई जगह पर कुटमार के निशान भी ने, ते उन्हां वल्लों आरोपियों की गिरफ्तारी की मंग करके ये चेतावनी दी गई है कि जेकर मंगलवार तक उन्हां आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह लाश को सड़क पर लैके बैठ जाएंगे। दस दें कि मामला टोहाना दा जिथे लड़की दे परिवार वालियां वल्लों पुलिस की कार्रवाई तो तंग होकर टोहाना हिस्सा रोड नूं जाम किया गया। जिस लड़की की डैथ हुई है वो मेरी बहन है जी, उसके साथ लगातार जी वहाँ पर उसके ससुराल में लगातार वो प्रताड़ित होती रही है और लगातार उसके साथ उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई और उसकी शारीरिक रूप से ही सर प्रताड़ना हुई है। तो उसके घर में सर इतना क्लेश रहता था सर कि वो हमको सर हर बार बता भी नहीं सकती थी। सर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर मामला सर ये हुआ कि उन लोगों ने उस लड़की को कत्ल किया, उसको फांसी पर चढ़ाया, उसका गला दबाया और उसको मार डाला। और उसके बाद हमको किसी भी आदमी को, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताया गया कि आपकी लड़की ने ये कुछ कर लिया है। हमको कहाँ से पता चला सर, आप ये सुनिए, हमको सर पता चला पड़ोसियों से, हमारे गांव वालों से। आप एक बार सर शर्म की बात देखिए सर, वो कह रहे हैं कि आपकी लड़की ने 3 या 3:30 बजे सर फांसी लगाई है और हमको 6 बजे पता लगा सर, आप हमारे घर के परिवार को 6 बजे हमको सर पता लगा कि हमारी लड़की की सर डेथ हो चुकी है और वहाँ पर उसके साथ ऐसा ऐसा अन्याय हो चुका है। और उसके बाद हम लोग गए हैं, उसके बाद हमने सर वहाँ पर थोड़ा बहुत देखा कि वो ऐसे ही सर वो बेड पर लेटी हुई है, कोई सर किसी भी तरह का कोई फांसी का कि उसने खुद लगाई है कोई वहां पर ऐसा कोई भी नामो निशान नहीं है। उन लोगों का कहना है कि यहां पर इसने फांसी लगाई है। हमने पूछताछ वहां पर करने की कोशिश की तो वो हम पर भड़क भड़क के पड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम लोग अब क्या करोगे, ऐसे है वैसे है कि तुम लोग अब जांच कर रहे हो। हम भाई हैं भाई उनके, हम उसके पेके वाले हैं, हम क्यों ना करें, हमारी बहन थी वो, क्यों ना करें। उसके बाद उसके अगले दिन, उसके अगली सुबह उसका जो अपना हम लोग वहाँ से गए सिधानी से, गए सिधानी हमारा गांव है, सिधानी की वो लड़की थी उसके साथ सभी लोग गए वहाँ पर और उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँची है, उन्होंने अपनी कार्रवाई जो की है। उसके बाद आज तक कल का पूरी रात निकल गई, उसके पहले वो जो उसके ससुराल वाले सब वहीं के वहीं थे, उसका जो घर वाला था सर वो भी वहीं था। उसके बाद जब हम यहाँ पर लड़की का जो पोस्टमार्टम करवाने आए हैं उसके बाद कोई भी साथ में नहीं आया उनका बंदा, हमारे ही साथ सारे आए हैं। उसके बाद वो सभी के सभी गायब हो गए और हम लोग इसी अब जिद पे अड़े हैं कि पहले उन लोगों को आप गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद हम जो पोस्टमार्टम सर कुछ जो डेड बॉडी का सर उन्होंने पोस्टमार्टम किया हुआ है वही फिर ही हम अपनी बॉडी को उठाएंगे, उसके बाद ही हम लोग दाह संस्कार करेंगे। और आज ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये बयान लिखवाए या फिर ये पूरे मामले को गुमराह किया जा रहा है। हम तो सर ये कह रहे हैं कि जो पूरी की पूरी पुलिस है इसको अपनी कार्रवाई अच्छे से करो और उसके बाद ही हम लोग यहाँ से धरना उठाएंगे और हमारी हम अपनी बहन की डेड बॉडी ले जाकर फिर उसके बाद हम लोग दाह संस्कार गए। ये मामला ये है जी, डेर गांव में अपनी गुड़िया ब्याही हुई थी सिधाणी से और वो परसों 11 बजे उसमें परिवार वालों ने कूट मार के और फांसी की तरह कुछ ऐसा दिखाया पे फांसी खा के मरी है। वो मरी है 11:30 बजे मारी गई है और कल जो स्टेटमेंट DSP साहब ने दी है उसने ये कहा कि रात को 11 बजे उसने फांसी लगाई है, जबकि कहीं ना कहीं पब्लिक में ये रोष है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है और DSP साहब ने जो बयान दिए हैं वो बिल्कुल गलत दिए हैं और सभी पब्लिक में इस चीज़ का रोष है।